गाइज, आप लोगों ने आज तक हवाई जहाज हवा में उड़ते हुए ही देखा होगा, या फिर अगर जमीन पे भी देखा होगा तो वो रनवे पे देखा होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक नेशनल हाईवे पे हवाई जहाज। आप क्लिप देखो। वीडियो बना भाई, एयर इंडिया है, कमाल वाली बात है। कल रोड पे चला रखा है भाई, तो रियल में यार मैं डर गया। एयर इंडिया रोड पे है, हाँ एयर इंडिया रोड पे आ गया है बिल्कुल। ना बर्बाद तो पहले ही हो गया, वो 2-3 साल पहले से ही तुमने मार। गाइज, ये क्लिप है महिपालपुर टाउन की, जहाँ से इस एरोप्लेन को लेके जाया जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि इसके विंग्स वगैरह निकाल रखे हैं, तो स्क्रैप में इसे ट्रांसफर किया जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह। और मैं बताना चाहूँगा कि इस एरोप्लेन को इसके नए मालिक द्वारा ले जाया जा रहा था, जिन्होंने इसे खरीदा है अभी। एंड वी ऑल नो किसने खरीदा है। गाइज, इसके बाद क्या हुआ, एरोप्लेन की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, ये हवा में उड़ता था, कहाँ तुम इसे जमीन से ले जा रहे हो। तो इसने क्या किया, फुट ओवर ब्रिज आया और उसे पकड़ लिया, क्या भाई अब इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं। गाइज, जोक्स अपार्ट, तो इसको ले जाया जा रहा था दिल्ली गुड़गांव हाईवे से, तो वहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज था। तो इसकी हाइट और ट्रक की हाइट मिलके इतनी हो गई कि वो फुट ओवर ब्रिज में ऊपर टकरा गया और वहाँ से आगे नहीं गया ये। पहले तो आप वो क्लिप देखो। गाइज, वी ऑल नो कि इंडिया में हर चीज का जुगाड़ है। तो जो ड्राइवर थे और जो साथ में बैठे हुए थे ड्राइवर के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये तो भाई अटक गया ऊपर, तो उन्होंने अपने ट्रक के टायर्स की हवा निकाल दी ताकि थोड़ा लेवल नीचे हो जाए और फिर आसानी से इसे ले जाया जा सके। आप लोग वो क्लिप देखो। गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हवा निकाल रहे हैं ट्रक की। एंड गाइज, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जहाज स्क्रैप में लेके जाया जा रहा था, इसके विंग्स वगैरह भी सारे उतार रखे थे जैसे कि हम देख सकते हैं वीडियो में। और गाइज, ये कुछ अलग ही चीज हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। महिपालपुर मेरा घर है, तो मेरे घर से बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे ही जो मैंने सबसे पहली क्लिप आपको दिखाई थी वो थी, और उसके बाद 5 मिनट की दूरी पे जाके ये अटक गया था फुट ओवर ब्रिज के वहां पे, और वहीं का ये सारा सीन है। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक अपडेट दे दूं।